सिर्फ तमिलनाडु जो इंडिया का सदर्न स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट लेते हैं, उसके अंदर 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर पूरी दुनिया के 715 करोड़ लोग उसी में होते, पूरी दुनिया खाली होती, सिर्फ तमिलनाडु में होते, तो एक एक आदमी को कितने स्क्वायर फीट मिलेंगे आपको मालूम है? एक एक आदमी को 192 स्क्वायर फीट मिलेंगे। यानी अगर एक फैमिली में चार लोग हैं तो 192 × 4 तकरीबन 790 के करीब स्क्वायर फीट एक चार लोगों की फैमिली को मिल जाएगी, और वो भी आसमान खुला। यानी कि ये नहीं फ्लैट के अंदर 200 स्क्वायर फीट का रूम मिला है, ये 192 स्क्वायर फीट पर पर्सन इन द फैमिली, एंड छोटा बेबी भी होगा ना उसका भी 192 स्क्वायर फीट है, हर एक के लिए उतनी स्क्वायर फीट, आसमान खुला, इतनी जगह है। तो ये जो पूरी बात कही जाती है ना, ये बिल्कुल बेसलेस और गलत प्रोपेगेंडा है। दुनिया में बहुत जगह है, और इंसान जब शहरों में रहता है तो सिर्फ शहरों में देखते हैं, हमारे शहरों में इतनी क्राउडिंग होती है, तो ये क्राउडिंग की वजह, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा क्राउडिंग है जितने भी मेट्रोज में देखी जाए। जी, तो पूरे ये हम मेट्रोज में जब रहते हैं तो जो कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आप एक स्टेट को भी इतना डेवलप कर लेते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, तो पूरी दुनिया के लोग वो एक स्टेट तमिलनाडु में जाके रह सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया खाली होगी, और पॉपुलेशन की फिक्र आपको कई कई पीढ़ियों तक नहीं करनी है। चलिए, आपने रहने का इंतजाम कर दिया।